Hello, hello. गुड इवनिंग भी सभी को गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग जय हिंद तो एनडीए के लिए मैथमेटिक्स अपने कर रहे हैं और इससे पहले हमारी चार क्लासेज हो चुकी है और उन चार क्लासेस के अंदर हमने प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करी है पिछली चार क्लासेज के अंदर अपने प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ा है और आज जो हमारी क्लास रहेगी आज अपने डिटर्मिनेंट से शुरू करेंगे आज हमारे पास डिटर्मिनेंट से शुरुआत रहेगी तो सबसे पहले प्रुब... अपने सॉरी मैट्रिक्स किया था सबसे पहले हमने पिछला चैप्टर जो है चार क्लासेज अपनी मैट्रिक्स की थी मेरे ख्याल से मैं शायद प्रोबेबिलिटी बोल गया तो पिछली चार क्लासेज के अंदर हमने मैट्रिक्स किया था तो आज अपने डिटर्मिनेंट से शुरुआत करेंगे डिटर्मिनेंट शुरू कर रहे हैं और इस सीरीज की हमारे पास ये जो है पांचवी क्लास है इससे पहले हमारे पास चार क्लासेज हो चुकी है और ये हमारी पांचवी क्लास है टारगेट हमारा इनडीए का है 16 अप्रैल को जो पेपर है उसके बारे में अपने बात कर रहे हैं तो डिटर्मिनेंट से अपने शुरू करते हैं फिर आज नया चैप्टर शुरू हो रहा है आप बिल्कुल नए सिरे से क्लासेज लगा सकते हैं लेकिन फिर भी अगर आपने मैट्रिक्स किया है तो वो काफी हेल्प करेगा यहाँ पर ठीक है बिना मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है ये अपने कह सकते हैं अगर आपने मैट्रिक्स अच्छे से किया है तो डिटर्मिनेंट आपको और भी आसान लगेगा और अगर आपने पिछली चार क्लासेज लगाई है तो जो डिटर्मिनेंट में करवाया करवाऊंगा तो आपको लगेगा कि काफी कंसेप्ट ऐसे हैं जो हम पहले कर चुके हैं तो प्लस टू क्लास का आसान चैप्टर है आपके पास ये डिटर्मिनेंट ट्वेल्थ क्लास के अंदर चौथा चैप्टर होता है आपके पास चलो जल्दी से एक बार यस कर दें जो भी क्लास लगा रहे हैं मुझे लगभग यहाँ पर काफी बंदे लाइव दिखा रहे हैं जल्दी से एक बार अगर आवाज क्लियर है रेडी है तो यस कर दें शुरू करें फिर क्लास को और एक बार सभी जने शेयर कर दें हो सकता है तो जितना ज्यादा हो सकता है क्लास को शेयर कर दें ताकि अपने पास ज्यादा से ज्यादा बंदे बढ़े ठीक बात है जय हिंद भी जय हिंद जय हिंद सभी को डिटर्मिनेंट डिटर्मिंट शुरू कर रहे हैं अपने चलो देखो डिटर्मिनेंट की बात हो रही है जब हम मैट्रिक्स पढ़ रहे थे तो मैट्रिक्स के अंदर हमने बोला था कि किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स हो सकती है समझ रहे बात किसी भी ऑर्डर का मतलब टू इंटू थ्री थ्री इंटू थ्री टू इंटू टू फोर इंटू फाइव वगैरह वगैरह किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स हो सकती है यह बात हमने मैट्रिक्स में पढ़ी थी लेकिन जब बात डिटर्मिनेंट की आएगी ना तो डिटर्मिनेंट सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल है जब आपके पास एक स्कूर मैट्रिक्स हो उसी का डिटर्मिनेंट निकलता है कहने का मतलब यह हुआ कि हम सिर्फ और सिर्फ एक टू बाय टू के डिटर्मिनेंट को पढ़ेंगे एक टू बाय टू के डिटर्मिनेंट को पढ़ेंगे और एक थ्री बाय थ्री के डिटर्मिनेंट को पढ़ेंगे बस इसके अलावा हमने और कुछ नहीं करना सिर्फ और सिर्फ हमने टू बाय टू और थ्री बाय थ्री की बात करनी है इसके अलावा हमने डिटर्मिनेंट चैप्टर के अंदर किसी भी डिटर्मिनेंट की बात नहीं करनी सिर्फ ये दो टाइप के डिटर्मिनेंट होंगे डिटर्मिनेंट निकालते कैसे हैं सोल्व कैसे करते हैं ये मैं आपको मैट्रिक्स के अंदर ऑलरेडी बता चुका हूं फिर भी यहां पर एक क्वेश्चन को मैं सोल्व कर देता हूं कि इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालते होते हैं पहले इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो ये आ गया टेन माइनस इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो ये आ गया फोर तो इस तरीके से मेरे पास आंसर यहां पर आ जाएगा सिक्स आ जाएगा टेन माइनस फोर इज इक्वल टू सिक्स इस तरीके से हम टू बांट को सोल्व करते आए हैं तीन बाय तीन के डिटर्मिनेंट को कैसे सोल्व करते थे आपको यह चीज भी बताई गई है पहले किसी भी एक रो या कॉलम को उठा लो मान लो मैंने फर्स्ट रो को उठा लिया सिक्स लिख लिया एट लिख लिया टू लिख लिया फर्स्ट रो के साथ उसका माइनर ले लो उसका माइनर पांच चार टू फाइव फाइव फोर टू फाइव ये मैंने सिक्स के साथ उसका माइनर ले लिया एट के साथ उसका माइनर लो एट वाली रो और एट वाले कॉलम को छोड़ दो वन फोर थ्री फाइव वन फोर थ्री फाइव मैंने एट के साथ उसका माइनर ले लिया टू के साथ उसका माइनर लो वन फाइव थ्री टू वन फाइव थ्री टू ये लो अल्टर साइन लेने हैं पहला प्लस का दूसरा माइनस का तीसरा प्लस का इस तरीके से अल्टरनेट साइन लेने हैं ठीक बात है गुड इवनिंग भी गुड इवनिंग हिंद सोल्व कर लो बस अब इसको सोल्व कर लो तो आपके पास आंसर आएगा सिक्स इन टू पच्चीस में से आठ गया सत्रह पांच में से बारह गया माइनस सात दो में से पंद्रह गया माइनस का तेरह इसको सोल्व कर लें तो आपके पास आंसर आएगा एक सौ दो प्लस छप्पन माइनस छब्बीस तो ये हो गया तीस इसके अंदर सोल्व करेंगे एक सौ बत्तीस जो है ये मेरे पास डिटर्मिनेंट आ जाएगा ये सिर्फ और सिर्फ मैंने डिटर्मिनेंट को यहां सोल्व किया है और ये बातें तो मैं ऑलरेडी मैट्रिक्स चैप्टर के अंदर करवा चुका हूं यहां पर कुछ नई बात नहीं हुई है क्योंकि अब अपने जो डिटर्मिनेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं अपने इस चैप्टर के अंदर डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज पढ़नी है डिटर्मिनेंट निकालना तो बस इतना ही है ये 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 का का निकाल दिया, का निकाल दिया दिया और निकालना तो सभी को आता ही है ठीक है तो डिटर्मिनेंट निकालना सभी को आना चाहिए टू बाई टू का कैसे निकालते तो हैं थ्री बाय थ्री का कैसे निकालते हैं डिटर्मिनेट सभी को आना चाहिए इस चैप्टर के अंदर अपने पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज में तो हमने लगभग दस ग्यारह प्रॉपर्टी करनी है आपका का तो डिटर्मिनेंट चैप्टर खत्म हो जाएगा ठीक बात है दस ग्यारह अपने प्रॉपर्टी करेंगे तो शुरू करते हैं डिटर्मिनेंट की पहली प्रॉपर्टी के साथ डिटर्मिनेंट की पहली प्रॉपर्टी से आज अपने शुरू कर रहे हैं डिटर्मिनेंट की आपने दस ग्यारह प्रॉपर्टीज करनी है हर प्रॉपर्टी काम की है आपके पेपर के हिसाब से पहली प्रॉपर्टी पहली प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं डिटर्मिनेंट की इफ एनी रो और कॉलम कॉलम इज कंप्लीटली जीरो कंप्लीटली जीरोन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी जीरो विल बी जीरो मेरे पास डिटर्मिनेंट की पहली प्रॉपर्टी है कि किसी डिटर्मिनेंट के अंदर अगर कोई एक रो या कॉलम पूरी तरह से जीरो हो जाए तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो होती है यह डिटर्मिनेंट की पहली प्रॉपर्टी है मतलब यह हो गया कि अगर आपको कभी ऐसा दिखे तो इसकी वैल्यू आपके पास जीरो आएगी क्योंकि मेरे पास पूरी एक रो आ गई और पूरी एक रो जीरो होगी तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो होएगी मेरे पास कुछ ऐसा लिखा हुआ है कोई भी एक रो या कॉलम पूरी तरह से जीरो हो जाए डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो होती है यह मेरे पास पहली प्रॉपर्टी थी कि चाहे टू बाय टू का चाहे थ्री बाय थ्री का जिस मर्जी ऑर्डर का डिटर्मिनेंट आ जाए पूरी एक रो या पूरा एक कॉलम अगर जीरो हो गया तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो होती है जल्दी से यस कर दो अगर पहली प्रॉपर्टी ओके है तो मैं दूसरी प्रॉपर्टी की ओर बढ़ू जल्दी जल्दी से यस करेंगे अगर ये पहली प्रॉपर्टी क्लियर है कि पूरी एक रो या कॉलम अगर जीरो है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो होती है ठीक बात बढ़िया निखिल किरण धीर भार्गव बढ़िया चलो मैं दूसरी प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं दूसरी प्रॉपर्टी की बात इफ एनी टू रो और कॉलम्स आर आइडेंटिटिकल आइडेंटिटिकल देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेट देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेट विल बी जीरो बात समझ आई होगी कि अगर किसी भी मैट्रिक्स के अंदर किसी भी डिटर्मिनेंट के अंदर कोई भी दो रो या कॉलम बिल्कुल एक जैसे हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो होएगी। कोई भी दो रो या कॉलम अगर बिल्कुल एक जैसे हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपके पास क्या होएगी? जीरो हो जाएगी यहां आपने देखा पहली रो लास्ट रो एक जैसी है आंसर जीरो आएगा टोटल दस ग्यारह प्रॉपर्टी है मैं बार बार बोल रहा हूं हर एक प्रॉपर्टी को अच्छे से कर लेना सीधे सीधे प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं एक और एग्जांपल ले, ले लेता हूं थ्री सिक्स नाइन वन टू फाइव वन टू फाइव डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी जीरो आएगी कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम बिल्कुल एक जैसे हो जाए तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो आती है ठीक बात है हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बोलो कि सर मैंने पहली रो को और पहले कॉलम को सेम कर दिया अब वैल्यू क्या आएगी अब जीरो आए ना आए मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं है भाई इसका प्रॉपर्टी के साथ कोई लेना देना नहीं है आप यहां एक रो को एक कॉलम से कंपेयर नहीं कर सकते या तो दोनों रो की बात करोगे या दोनों कॉलम की बात करोगे कि सर दो रो एक जैसी है डिटर्मिनेंट जीरो दो कॉलम एक जैसे हैं डिटर्मिनेट जीरो एक रो और एक कॉलम को आप कंपेयर नहीं करेंगे एक रो और एक कॉलम को कंपेयर नहीं करना ये थी मेरी दूसरी प्रॉपर्टी सभी को क्लियर है तो कर दो यस फिर डन कर दो जल्दी से जल्दी जल्दी से डन कर दो सर एनडीए दो हजार की प्लेलिस्ट बना दो बनेगी भी जल्दी बन जाएगी मेरे एक चैप्टर कंप्लीट हो जाने दो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेट कंप्लीट हो जाने दो पूरी प्लेलिस्ट बन जाएगी बहुत कुछ मिलेगा तो सभी बंदे पहले टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो कल तक आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा इसका सारे बंदे ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना कल तक आपको इसका स्टडी मटेरियल मिल जाएगा प्रैक्टिस के लिए सीसीजी संदीप थ्री नाइन इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना कल तक आपको सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा ठीक बात है ओके दोनों प्रॉपर्टी क्लियर होगी तीसरी प्रॉपर्टी आ जाओ तीसरी प्रॉपर्टी पर जाओ डिटर्मिनेंट की तीसरी प्रॉपर्टी पेपर के अंदर सीधा सीधा क्वेश्चन आता है प्रॉपर्टी के ऊपर तीसरी प्रॉपर्टी पे आ रहा हूं मैं तीसरी प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि इफ एनी इफ एनी टू एडजेंट एडजेंट रोज और कॉलम्स और कॉलम्स are interchanged 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 then value of determinant determinant will be determinant will be multiplied by माइनस वन माइनस वन कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी डिटर्मिनेंट के अंदर कोई भी दो पास पास वाली रो को या फिर कॉलम को अगर इंटरचेंज कर दोगे ना डिटर्मिनेंट की वैल्यू पर माइनस का फर्क आ जाएगा इस बार के पेपर में पूरा पैराग्राफ आया था इस प्रॉपर्टी पे इस बार जो 2022 का पेपर हुआ है 2022 का सेकंड पेपर हुआ था उस पेपर के अंदर इस प्रॉपर्टी के ऊपर सीधा सीधा पैराग्राफ आया था पूरा, पूरा पैराग्राफ, ठीक बात है तो प्रॉपर्टी क्या कहती है प्रॉपर्टी को सुनना गोर से कि मान लो किसी डिटर्मिनेंट को सोल्व करके कुछ भी आंसर आता है आता था किसी डिटर्मिनेंट को सोल्व करके कोई भी आंसर आ रहा था अगर मैं इसकी दो रो या कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दूं, मान लो मैंने दोनों रो को आपस में इंटरचेंज कर दिया तो ये बन गया सी डी ऊपर आ गया ए बी नीचे आ गया तो मेरा आंसर जो है इस बार वो माइनस के आएगा ये मेरी प्रॉपर्टी थी कोई भी दो रो या कॉलम का आपस में इंटरचेंज कर दो ये मैंने आपको टू बाई टू का एग्जाम्पल लेके बताया थ्री बाय थ्री का भी ले लो कि यहां पर सर मैंने वन थ्री फाइव टू फोर फाइव और थ्री सेवन वन ले लिया इसका आंसर मान लो कुछ आता था के आता था और आपसे बोला गया कि यहां पर थ्री सेवन वन टू फोर फाइव वन थ्री फाइव इसका आंसर क्या आएगा तो मैंने देखा कि यहां पर दो रो जो थी ना वो आपस में इंटरचेंज कर दी गई है तो उसका आंसर अगर के आ रहा है तो इसका आंसर आपके पास क्या आएगा माइनस का के आएगा माइनस का के, के। ये प्रॉपर्टी है एडजेसेंट वर्ड का गौर करना यार इस वर्ड का ध्यान रखना कि दोनों की दोनों जिन रो या कॉलम की बात की गई है ना वो दोनों पास पास होने चाहिए ऐसा नहीं करना कि पहले को तीसरे के साथ इंटरचेंज कर देना ये काम नहीं करना या तो ये दोनों इंटरचेंज हो जाए या फिर ये दोनों इंटरचेंज हो जाए अगर कभी पहले के साथ तीसरे को चेंज किया गया है ना इसका मतलब उसके अंदर इंटरचेंज दो तीन बार किया गया है पहले इन दोनों को किया गया होगा फिर इन दोनों को किया गया होगा फिर इन दोनों को किया हो गया होगा इस तरीके से और जितनी बार भी आप इंटरचेंज करोगे माइनस माइनस से फर्क आता जाएगा अब माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करते जाएंगे ठीक बात है ओके है जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर और बता दू कि अगर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई इसका डिटर्मिनेंट मान लो के आ रहा है इसका डिटर्मिनेंट आ रहा है के ठीक बात है और मेरे से पूछा गया डी ई एफ ए बी सी और जी एच आई इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा तो मैंने देखा कि पहली और दूसरी रो इंटरचेंज हुई है तो इसका आंसर सर माइनस के आना चाहिए फिर अगली बार क्या किया इन दोनों को फिर इंटरचेंज कर दिया तो अब मेरे पास आएगा डी ई एफ जी एच आई यहां आएगा ए बी सी इसके साथ फिर माइनस का फर्क हो जाएगा और माइनस के से दोबारा क्या बन जाएगा प्लस के बन जाएगा ठीक बात है ओके okay? बाद में मान लो दोबारा चेंज करने की बात आई इस बार मान लो इन दोनों को इंटरचेंज किया है इन दोनों को इंटरचेंज किया तब आपके पास आ जाएगा डी जी ए एफ आई सी ई एच और बी तो इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा इसका अगर के था तो इंटरचेंज करने पर दोबारा फिर माइनस के हो जाएगा तो क्या सभी को मेरी बात समझ आई क्या थी दो पास पास वालों को आप एक टाइम पे चेंज कर सकते हो ऐसा नहीं है कि पहले को तीसरे के साथ चेंज कर दें। ऐसा काम नहीं करना ऐसा काम आपने नहीं करना जल्दी से यस कर दो भाई अगर आपको ये वाली बात क्लियर हुई हो तो जल्दी जल्दी से यस करेंगे ठीक बात है तो इस बार जिस पेपर जिस क्वेश्चन की बात कर रहा था मैं मैं आपको वो क्वेश्चन ही दिखा देता हूं एक बार इस तीसरी प्रॉपर्टी के ऊपर किस तरीके का क्वेश्चन आया था क्वेश्चन सुनना गौर से इस तीसरी प्रॉपर्टी के ऊपर किस तरीके का क्वेश्चन आया था देखो भाई क्वेश्चन ये था कि अगर ए वन वन ए वन वन ए टू वन ए वन टू ए वन थ्री ए टू वन ए टू टू ए टू थ्री ए थ्री वन ए थ्री टू ए थ्री थ्री इसका डिटर्मिनेंट अगर डेल्टा है तो क्वेश्चन में पूछा गया था ए टू वन ए थ्री वन ए वन वन ए टू थ्री ए थ्री थ्री ए वन थ्री ए टू टू ए थ्री टू और ए वन टू इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा यह इस बार के क्वेश्चन में आया था ऑप्शन है आपके पास जीरो ऑप्शन है आपके पास वन ऑप्शन है आपके पास डेल्टा और ऑप्शन है आपके पास माइनस डेल्टा यह क्वेश्चन आया था भे. क्या ख्याल है बताओ फिर इस क्वेश्चन के बारे में प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दी है प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दी है इसकी वैल्यू अगर डेल्टा है तो इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी हम्म ये इस बार के पेपर में आया था क्वेश्चन शुभम शिवम शुभम ने इसका आंसर बताया है डी बाकी लोग बताएं भी बाकी लोग क्या आंसर आएगा ये इसी बार के पेपर में क्वेश्चन आया था चलो मुझे एक बात बताओ क्या आप ये बात तो जानते हैं ना कि इसका आंसर आंसर सी सी और और डी डी में में से से कोई कोई एक एक आएगा आएगा हाँ या ना इसका C और D में से कोई एक आएगा? ये बात तो आप सहमत क्योंकि पता लग रहा है कि इनको इंटरचेंज कर कर के ही तो बना है इंटरचेंज कर कर के ही तो बना है ये तो आपको पता है कि आंसर या तो डेल्टा आएगा या माइनस डेल्टा आएगा इस बात से तो आप सहमत होंगे है ना अब मान लो कि आप बार बार इंटरचेंज नहीं करना चाहते आप कंफ्यूज हो रहे हैं इंटरचेंज करने में किसके साथ किसको करें तो एक काम करो इसके एलिमेंट मान लो अपनी मर्जी से मैंने क्या किया इसके ये सारे एलिमेंट जो थे ना ये सारे एलिमेंट अपनी मर्जी से क्या मान लिए मान लिए बाकी सारे जीरो मान लिए ताकि मैट्रिक्स मेरी क्या बन गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना आ गया वन आ गया मतलब डेल्टा की वैल्यू वन है अब जो वैल्यू आपने यहां पर मानी है ना वो सारी वैल्यू यहां पुट करके डिटर्मिनेंट को सोल्व कर लो जो जो वैल्यू अपने वहां मानी वो सारी इसके अंदर पुट करो ए टू वन ए टू वन आपका जीरो था ए टू थ्री ए टू थ्री रहा ए टू थ्री एरा यह भी आपके पास जीरो है ए टू टू ए टू टू आपके पास वन था ए वन है ए वन वन ये वन है बाकी सारे आपके पास जीरो है आप इसको सोल्व कर लो अगर इसका आंसर वन आ गया सेम आ गया तब तो आंसर डेल्टा हो जाएगा अगर इसका आंसर वन आने की बजाय माइनस वन आ गया आपका आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा आप ऐसे भी कर सकते हो अगर आपको प्रॉपर्टी का नहीं पता लग रहा तो ठीक बात है ओके okay. तो सोल्व करते हैं जीरो के 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 अबाउट 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 किया 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 जीरो जीरो के किया, जीरो, जीरो के किया, तो जीरो वन, तो आपके पास फाइनल आंसर कितना आ गया माइनस वन इससे, इससे पता लगा कि मेरा आंसर कौन सा ऑप्शन है डी ऑप्शन मेरे पास आंसर है क्या जो तरीका मैंने आपको ये शॉर्टकट बताया है समझ आया क्लियर है भाई ओके है कि मैंने पूरी एलिमेंट को उठाने की बजाय उनको कुछ मान लिया उनको कुछ मान लिया मैंने इनको वन 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 मान लिया बाकियों को जीरो मान लिया तो इसको सोल्व करके देखा डेल्टा आ रहा था तो इसका आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा माइनस का डेल्टा आ जाएगा माइनस वन आ जाएगा ये तो मैंने शॉर्टकट बता दिया वैल्यू पुट करके ठीक है ये तो वैल्यू पुट करके लेकिन मान लो प्रॉपर्टी कैसे लगाते बंदा क्या कह रहा है सिर्फ एक बार फिर बता दो देखो भाई इसका डिटर्मिनेंट उसने डेल्टा बोला था क्वेश्चन में इसका डिटर्मिनेंट पूछा है तो मैंने क्या किया सबसे आसान मैट्रिक्स जो होती है ना वो यूनिट मैट्रिक्स होती है उससे आसान मैट्रिक्स कोई नहीं होती तो मैंने क्या किया इसका उसने डेल्टा बोला था मैंने इसको वन 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 मान लिया बाकी को जीरो 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 मान लिया मतलब ये मैंने एक यूनिट मैट्रिक्स मान ली और यूनिट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वन होता है तो आप उसका जब डिटर्मिनेंट निकालेंगे वन आएगा तो डेल्टा की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है वन आ रही है अब जिस एलिमेंट को मैंने जो जो माना था वो सारी वैल्यू मैं यहां पुट करूंगा इसके अंदर क्योंकि उन्हीं को तो आगे पीछे इंटरचेंज करना है तो मैंने इसको वन माना था इसकी जगह पे वन पुट कर दिया इसको वन माना था टू -टू को तो थ्री थ्री वाले को वन पुट कर दिया वन 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 और बाकी सारे मैंने जीरो माने थे तो बाकी सभी को यहां पर जीरो 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 जीरो, जीरो पुट कर दिया और डिट जब डिटर्मिनेंट को सोल्व किया आंसर माइनस वन आ गया इसका मतलब अगर इसका आंसर डेल्टा है ना तो इसका आंसर पक्का क्या होगा माइनस डेल्टा होगा ये तो होगी बात शॉर्टकट की अब मैं चलता हूं बेसिक मेथड के ऊपर जिसके बारे में अपने बात कर रहे हैं जो हमने सीखा है अब हम उसकी बात करेंगे कि उस मेथड से हमने इसका आंसर कैसे निकालना है जो मेथड हमने सीखा है उससे देखते हैं ठीक बात है इंटरचेंज करने वाली बात चलो भी देखो मैंने यहां देखा कि टू वन ऊपर चाहिए टू वन ऊपर चाहिए भाई टू वन ऊपर चाहिए मैंने इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दिया पहली रो और दूसरी रो को इंटरचेंज कर दिया क्योंकि मेरे को 2 1 ऊपर चाहिए था तो जब 2 1 को ऊपर किया तो a 2 1 a 2 2 a 2 3 a 1 1 a 1 2 a 1 3 a 3 1 a 3 2 a 3 3 इसका डिटर्मिनेंट मेरे पास क्या आएगा फिलहाल माइनस डेल्टा सही बात है आप सहमत होंगे इस बात से कि मैंने पहली रो और दूसरी रो को सिर्फ इंटरचेंज किया भाई लो भाई क्या जो चाहिए था वो पूरा सेम बन गया नहीं वो पूरा सेम नहीं बना ए टू वन बन गया यहां पर ए टू टू यहां पर आ रहा है ए टू टू यहां पर आ रहा है और उसके बाद मैंने देखा कि ये सारी की सारी ना ये सारी की सारी जो थ्री वन थ्री टू थ्री थ्री आ रहे हैं वो सारे कॉलम में आ गए अब एक बात आप बताना किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कुछ भी आ जाए किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कुछ भी हो तीस में से दो गया अट्ठाईस उसका ट्रांसपोज लो क्या मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट आपस में बराबर होते हैं करना है आप इसका डिटर्मिनेंट निकाल के देखो कितना आ रहा है अट्ठाईस आ रहा है किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट हमेशा आपस में बराबर होता है ठीक बात है ओके आप कह सकते हो बात किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट हमेशा बराबर होता है क्योंकि डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हमें किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के अबाउट एक्सपेंड करना पड़ता है किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के अबाउट तो ठीक है किसी भी एक रो या कॉलम के अबाउट जैसे मर्जी कर लो वही आएगा तो जो मैंने यहां पर ये तीसरी प्रॉपर्टी अभी आपको लिखवाई है यहां पर मैंने आपको पीछे ये तीसरी प्रॉपर्टी करवाई है आगे एक चौथी प्रॉपर्टी आप पहले लिख लो ये आपके काम आएगी किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट और उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आपस में बराबर होता है किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का जो डिटर्मिनेंट है और उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आपस में बराबर होता है पूरे का ट्रांसपोज तो पहली रो जो थी वो मेरे पास पहला कॉलम बन गई पहला कॉलम बन गई दूसरी रो जो थी वो मेरे पास दूसरा कॉलम बन गई तीसरी रो जो थी वो मेरे पास तीसरा कॉलम बन गई और इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी अगर वो माइनस डेल्टा है तो ये भी माइनस डेल्टा आएगी क्योंकि डिटर्मिनेंट करने पर सॉरी ट्रांसपोज करने पर डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम रहती है ट्रांसपोज करने पर डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम रहती है मैंने इसका ट्रांसपोज कर दिया ये आ गया अब देखो क्या ये मिलता जुलता है कुछ मेरे को टू 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 चाहिए टू 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 है अभी भी उसने दोबारा क्या किया है दोबारा हल्का सा फिर चेंज किया है उसने चेंज क्या किया है इन दोनों को आपस में फिर इंटरचेंज किया देखो इन दोनों को फिर इंटरचेंज किया तो इन दोनों को फिर इंटरचेंज कर दो भाई। तो ये मेरे पास आएगा ए टू वन ए वन वन और ये आएगा ए टू थ्री ए वन थ्री ए थ्री थ्री और ये आएगा ए टू टू ए वन टू ए थ्री टू तो जब दोबारा चेंज करेंगे तो माइनस डेल्टा की बजाय मेरा आंसर क्या आ जाएगा डेल्टा आ जाएगा अब देखो क्या बिल्कुल सेम बन गया ये पूरी लाइन तो बिल्कुल सेम दिख रही है लेकिन ये जो लाइन है ये पूरी लाइन ये बीच में दिख रही है और यह पूरी लाइन बिल्कुल लास्ट में दिख रही है इसका मतलब इन दोनों को बनाने के लिए इसको दोबारा फिर इंटरचेंज करना पड़ेगा और जैसे इन दोनों को इंटरचेंज करूंगा जो मेरे को चाहिए वो मिल जाएगा और जब डेल्टा को दोबारा इंटरचेंज करेंगे तो आंसर क्या आएगा माइनस डेल्टा आएगा बात समझ आ गई ओके okay है क्लियर हुआ कोई भी दो रो को इंटरचेंज करने पर पास पास भी रो, रो या कॉलम को इंटरचेंज करने पर माइनस का फर्क पड़ता है तो वो स्टेप वो जो कंसेप्ट चार बार लग गया लगभग वो कंसेप्ट जो है वो यहां पर चार बार लग गया है सबसे पहले मैंने क्या किया पहली और दूसरी रो को इंटरचेंज किया पहली और दूसरी रो को इंटरचेंज किया ये बना उसके बाद मैंने ट्रांसपोज किया ट्रांसपोज करने पर डिटर्मिनेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता सेम का सेम ही आ गया पहले माइनस डेल्टा था तो अब भी मेरे पास क्या आ गया माइनस डेल्टा आ गया उसके बाद मैंने दूसरी और तीसरी रो को इंटरचेंज किया उसके बाद दूसरे और तीसरे कॉलम को इंटरचेंज किया मतलब इंटरचेंज करने वाला काम मैंने तीन बार किया है और किसी नंबर को अगर आप तीन बार माइनस 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 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा माइनस ही आएगा माइनस का डेल्टा आंसर हो जाएगा क्या सभी को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया भी? जल्दी से यस yes कर दें जल्दी जल्दी से यस yes कर दें अगर ये क्वेश्चन क्लियर हो तो ये इस बार के पेपर का क्वेश्चन है तो आप इस क्वेश्चन को शॉर्टकट से भी कर सकते थे जैसा कि मैंने आपको बताया था उससे भी ठीक है और इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से बेसिक से भी कर सकते थे दोनों तरीके से किया जा सकता था तो चलो ये आपके पास मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट की तीसरी प्रॉपर्टी थी

कि मैट्रिक्स का इनवर्स करके डिटर्मिनेंट निकालो तो आपको उसका इनवर्स करने की जरूरत नहीं है आप मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट निकालकर उसका रेसिप्रोकल कर दो आपको उसका इनवर्स निकालने की जरूरत नहीं है किसी मैट्रिक्स के इनवर्स का अगर डिटर्मिनेंट निकालना हो तो आपको उस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने की जरूरत नहीं है आप उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को ही रेसिप्रोकल कर दो ये थी मेरे पास प्रॉपर्टी नंबर पांच प्रॉपर्टी नंबर छह जो कि मैं पहले एडजोइंट के अंदर करवा चुका हूं वही प्रॉपर्टी दोबारा लिख रहा हूं किसी मैट्रिक्स के एडजोइंट का डिटर्मिनेंट निकालना हो तो आपको उस मैट्रिक्स का एडजोइंट निकालने की जरूरत नहीं है आप मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट निकाल के उसकी पावर एन माइनस वन कर देंगे इस बात को मैंने पिछली क्लास में एक्सप्लेन किया था एडजोइंट के ऊपर तो ये मेरे पास डिटर्मिनेंट की चौथी प्रॉपर्टी है पांचवी प्रॉपर्टी है और यह डिटर्मिनेंट की छठी प्रॉपर्टी है इन दोनों के बारे में मैं पिछली क्लास के अंदर बात कर चुका हूं और यह प्रॉपर्टी आपके लिए थोड़ी सी आज नई थी तो अगर आपको यह प्रॉपर्टी नंबर चार पांच चार अगर हो जल्दी से यस yes करेंगे तीनों प्रॉपर्टी अगर ओके है प्रॉपर्टी नंबर चार प्रॉपर्टी नंबर पांच और प्रॉपर्टी नंबर छह तीनों समझ आ गई हो तो यस कर देंगे जल्दी से अगली प्रॉपर्टी पे चलेंगे उसके बाद जल्दी जल्दी से एक बार डन कर देंगे सभी अगर प्रॉपर्टी नंबर चार पांच और छह ये तीनों प्रॉपर्टी क्लियर हो तो यस करेंगे भाई चलो प्रॉपर्टी नंबर छ के बाद मैं प्रॉपर्टी नंबर अब सात पे चलता हूं सेवंथ प्रॉपर्टी मेरी क्या कहती है सुनेंगे सेवंथ प्रॉपर्टी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके फिर डिटर्मिनेंट निकालना हो चाहे अलग अलग डिटर्मिनेंट निकालकर उनको मल्टीप्लाई कर दो एक ही बात है चाहे अलग अलग डिटर्मिनेंट कर उनको मल्टीप्लाई कर दो एक ही बात है ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है समझ आई बात आपको ठीक बात है दो मैट्रिक्स को पहले मल्टीप्लाई करो फिर डिटर्मिनेंट निकालो ऐसा करने की बजाय दोनों का अलग अलग डिटर्मिनेंट निकालकर दोनों के आंसर को मल्टीप्लाई कर देना सेम आंसर आएगा यह डिटर्मिनेंट की आपके पास प्रॉपर्टी नंबर सात है आपको मैट्रिक्स के अंदर एक प्रॉपर्टी करवाई थी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के अंदर उस प्रॉपर्टी से इसको रिलेट करना वहां आपको बताया गया था कि अगर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जीरो हो रहा है ना तो इसका मतलब या तो ए मैट्रिक्स जीरो होएगी, या बी मैट्रिक्स जीरो होएगी, या फिर तीसरा केस एक और होता था कि ना ही ए जीरो हो और ना ही बी जीरो हो फिर भी उनका प्रोडक्ट जीरो हो सकता है यह बात आपको बताई गई थी मैट्रिक्स के अंदर मैट्रिक्स के अंदर लेकिन अगर हम डिटर्मिनेंट की बात करें और अगर दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट जीरो हो रहा है ना तो यहां सिर्फ दो ही शर्तें होती है या तो मोड़ ए जीरो होएगा या फिर मोड बी जीरो होएगा ही होएगा इन दोनों में से किसी एक को जीरो होना ही पड़ेगा मैट्रिक्स के अंदर जरूरी नहीं है दोनों में से कोई एक मैट्रिक्स जीरो हो ऐसा भी मैंने आपको एग्जाम्पल करवाया था ना ही ए मैट्रिक्स जीरो थी ना ही बी मैट्रिक्स जीरो थी लेकिन उनका प्रोडक्ट जीरो आया था लेकिन अगर हम डिटर्मिनेंट की बात करें अगर दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट जीरो है ना तो उन दोनों में से किसी एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो प्रोडक्ट जो डिटर्मिनेंट है वो पक्का जीरो हो गई होगा दोनों में से किसी एक मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को जीरो होना ही पड़ेगा लेकिन मैट्रिक्स के अंदर एक तीसरा केस और बना था हमारे पेपर के अंदर इसके ऊपर भी खूब क्वेश्चन आए हुए हैं और हमारे पेपर के अंदर इसके ऊपर भी खूब क्वेश्चन आए हुए हैं बात समझ आ गई होगी कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके डिटर्मिनेंट निकालना हो तो आप इस तरीके से उनको अलग अलग कर सकते हो प्रॉपर्टी नंबर सात अगर क्लियर हो तो यस कर दो प्रॉपर्टी नंबर सेवन अगर ओके okay है तो जल्दी जल्दी से यस करेंगे सातवीं प्रॉपर्टी के बाद मैं आठवीं प्रॉपर्टी की ओर चलता हूं प्रॉपर्टी नंबर आठ आठवीं प्रॉपर्टी इसी से ही बनी है इसी से ही अपने आठवीं प्रॉपर्टी बना रहे हैं इसी से आठवीं प्रॉपर्टी इसी से कैसे सुनना मैंने क्या किया जहां जहां बी आ रहा था वहां वहां ए पुट कर दिया जहां जहां बी आ रहा था वहां ए पुट कर दिया तो ए इंटू ए क्या हो गया ए स्क्र ए स्केर का मोड इक्वल टू मोडे इंटू मोडे और मोडे इंटू मोडे क्या हो जाएगा मोड का होल तो आठवीं प्रॉपर्टी मेरे पास क्या बोल रही है आपने यहां से क्या देखा कि किसी मैट्रिक्स का करके अगर आप मोड करना चाहो ना मैंने बी की जगह पर भी ए पुट कर दिया एंटू तो मोड ए वो मोड ए का क्या हो गया होल स्केर हो गया तो मेरी आठवीं प्रॉपर्टी क्या बनी गौर से सुनना आठवीं प्रॉपर्टी क्या बनी आठवीं प्रॉपर्टी बनी मेरी कि किसी मैट्रिक्स की कुछ कुछ भी पावर करके अगर डिटर्मिनेंट निकालने को बोले ना आपको मैट्रिक्स की पावर करने की जरूरत नहीं है आप मैट्रिक्स का पहले डिटर्मिनेंट निकाल लो फिर जितनी उसकी पावर बोली है चुपचाप वो पावर कर दो ठीक बात है ओके है उत्तराखंड सर्विस सर एनडीए का बुक सेंड कर दो अभी बताया था एनडीए की बुक कल मिल जाएगी भाई कल मैं आपको एनडीए की कंप्लीट बुक सेंड कर दूंगा टेलीग्राम पे ठीक बात है और हां एफ कैट का पेपर है चौबीस तारीख से चौबीस पच्चीस छब्बीस तीन दिन एफ कैट का पेपर है और एफ कैट के लिए मैं आज शाम को नौ बजे रात को प्रोबेबिलिटी करवाने वाला हूँ

ठीक है तो आज नौ बजे क्लास है उसकी किसी ने लगानी हो लगा लेना लगभग ढाई तीन घंटे की क्लास होएगी ठीक है पूरी प्रोबेबिलिटी आज आज में खत्म करनी है तो कोई लगाना चाहे लगा सकता है काम आ जाएगी आपके वो। हाँ तो मेरी आठवीं प्रॉपर्टी यहां पर क्या बनी कि, कि किसी मैट्रिक्स की कुछ भी पावर करके अगर डिटर्मिनेंट निकालना हो तो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालकर उसका क्या कर दो पावर एन कर दो मतलब यह हुआ कि आठवीं प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं कि ए की पावर एन का अगर मैं मोड करूं तो वो मोड़ ए की पावर एन हो जाएगा ठीक बात है सीधा सीधा आपके पास क्वेश्चन आ बताओ क्या होगा ऐसा क्वेश्चन आ जाता है किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर पांच है तो उसके क्यूब का डिटर्मिनेंट क्या होगा तो मुझे पता है उसके डिटर्मिनेंट का क्यूब ही मेरा आंसर हो जाएगा पर पांच की पावर तीन करेंगे तो एक सौ पच्चीस जो है वो अपना आंसर होगा अगर सभी को ये आठवीं प्रॉपर्टी ओके है तो यस कर दो भाई आठवीं प्रॉपर्टी क्लियर है तो यस कर दो डिटर्मिनेंट की मेरे पास ये आठवीं प्रॉपर्टी थी सीधा सीधा इस प्रॉपर्टी के ऊपर हमारे पास क्वेश्चन आता है आठवीं प्रॉपर्टी के बाद मैं डिटर्मिनेंट की नौवीं प्रॉपर्टी की ओर चलता हूं नौवीं प्रॉपर्टी नाइन्थ प्रॉपर्टी की अपने बात करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ओड ऑर्डर ओड ऑर्डर ओड ऑर्डर का मतलब हो गया तीन बाय तीन की मैट्रिक्स या फिर पांच बाय पांच वगैरह वगैरह इनकी बात कर रहा हूं डिटर्मिनेंट ऑफ ओड ऑर्डर स्क्यू सिमिट्रिक मैट्रिक्स स्क्यू ट्रिक मैट्रिक्स मैट्रिक्स एज ऑलवेज जीरो ऑलवेज जीरो ओड ऑर्डर की कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो उसका डिटर्मिनेंट हमेशा जीरो होता है तीन बाय तीन की मैट्रिक्स ले रहा हूं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की पहचान क्या होती है मैंने आपको पहले बताया हुआ है मैट्रिक्स के अंदर फिर भी आप सुन लो डायगनल जीरो 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 होने चाहिए इधर जो भी लिखोगे और इधर जो भी लिखोगे उनमें आपस में माइनस का फर्क होना चाहिए वो होती है, स्क्यूस मैट्रिक्स। कि अगर यहां चार है तो यहाँ माइनस चार यहां पांच है तो यहाँ माइनस पांच और यहां छह है तो यहां मान लो माइनस छ मतलब ऊपर वाले तीनों में और नीचे वाले तीनों में आपस में माइनस का फर्क होना चाहिए ये प्लस का तो ये माइनस का ये प्लस का तो माइनस का और ये प्लस का तो ये माइनस का इस टाइप की कोई भी मैट्रिक्स आ जाए उसका डिटर्मिनेंट आपके पास हमेशा जीरो होगा ओड ऑर्डर की कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ जाए उसका डिटर्मिनेट हमेशा जीरो होता है एनडीए के पेपर के अंदर सीधा सीधा स्टेटमेंट की फॉर्म में क्वेश्चन आया था ठीक बात है तो ये पूरा स्टेटमेंट आपने ध्यान में रखना है कि ओड ऑर्डर की स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होती है उसका डिटर्मिनेंट जीरो होता है प्रॉपर्टी नंबर नौ क्लियर हो तो यस yes कर दो फिर जल्दी से यस yes कर देंगे प्रॉपर्टी नंबर नौ क्लियर हो तो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी नंबर नौ के बाद मैं प्रॉपर्टी नंबर दस की ओर चलता हूं टेंथ प्रॉपर्टी जिसके ऊपर सीधे सीधे पैराग्राफ भी आ जाते हैं पेपर में ठीक है सीधे सीधे आपके पास पैराग्राफ भी आ जाते हैं मैं प्रॉपर्टी नंबर दस की ओर चलता हूं टेंथ प्रॉपर्टी हाँ भाई किसी मैट्रिक्स कोई ए मैट्रिक्स थी मान लो ए मैट्रिक्स थी है ना ओके किसी मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स थी डिटर्मिनेंट लेते हैं चलो कोई भी एक डिटर्मिनेंट लेते हैं यहां लिख लो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई कोई डिटर्मिनेंट है अगर मैं किसी डिटर्मिनेंट को किसी कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई कर दू तो मैट्रिक्स में क्या था मैट्रिक्स के अंदर होता था कि जो बाहर पड़ा है ना वो हरेक से मल्टीप्लाई हो जाता था ये बात हमने मैट्रिक्स में पढ़ी थी कि वो जो के था ना वो हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाता था नौ के नौ एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाता था लेकिन डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं है आप उस के को किसी भी एक रो से मल्टीप्लाई कर सकते हो वो आपकी मर्जी है आप किसी भी एक कॉलम से कर सकते हो मतलब इसको सोल्व करके जो आएगा वो के ए के बी के सी यहां पर डीई एफ जी एच आई आए आएगा ठीक बात है ओके okay? किसी भी एक रो से या किसी भी एक कॉलम से मल्टीप्लाई कर सकते हो यह प्रॉपर्टी लेफ्ट टू राइट तो नहीं लगती पर राइट टू लेफ्ट यह प्रॉपर्टी बहुत काम आती है कि किसी भी रो या कॉलम में से अगर कुछ कॉमन आ जाएगा ना आप कॉमन पूरा खींच कर बाहर ले लोगे। समझ आई किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में से अगर कुछ भी कॉमन आए आप उस पूरे को उठाकर बाहर ले जा सकते हो जैसे एक क्वेश्चन लेता हूं मैं ए स्केर ए बी ए सी ए बी बी स्केयर बी सी ए सी बी सी सी स्केयर आपसे पूछा गया इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा आपसे पूछा गया कि इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा ये आपको वैल्यू दे दी तो मुझे इसको देखकर पता लग रहा है कि भाई इस पूरे में से मैं एक कॉमन ले सकता हूं पहले पहली रो में से तो ठीक है पहली रो में से एक कॉमन ले लो पीछे क्या बचा ए बी सी पीछे ये बच गया दूसरी रो में से बी कॉमन ले लिया पीछे क्या बचा ए बी सी बचा तीसरी रो में से सी कॉमन ले लिया पीछे बचा ए बी सी तो मैंने पूरी एक रो में से ए कॉमन ले लिया पूरी एक रो में से बी कॉमन ले लिया और पूरी एक रो में से सी कॉमन ले लिया अब पूरे कॉलम में से ए कॉमन ले लो इस पूरे कॉलम में से ए कॉमन आके के बाहर आ जाएगा इस पूरे कॉलम में से बी कॉमन आके बाहर आ जाएगा इस पूरे कॉलम में से सी कोमा के बाहर आ जाएगा पीछे बच गया वन 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 और आज ही आपको बताया है कि किसी भी मैट्रिक्स के अंदर डिटर्मिनेंट के अंदर कोई भी दो रो या कॉलम बिल्कुल एक जैसी आ गई तो आंसर जीरो होता है तो ये आपके पास क्या हो जाएगा इसका डिटरमिनेट जीरो आ जाएगा और जीरो इंटू कुछ भी करो आपका आंसर क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा क्या आपको यह क्वेश्चन समझ आ गया ठीक बात है क्लियर हुआ इसका आंसर सोल्व करने पर आपके पास क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा तो किसी भी पूरी एक रो में से या किसी भी पूरे एक कॉलम में से आप कुछ भी कॉमन ले सकते हो अगर कॉमन आ रहा है तो तो पहली रो में से ए कॉमन आ गया था दूसरी में से बी कॉमन आ गया था तीसरी में से सी आ गया था तो प्रॉपर्टी नंबर अगर दस क्लियर हो तो जल्दी से यस कर दें प्रॉपर्टी नंबर टेन अगर सभी को क्लियर है तो जल्दी जल्दी से यस कर दें ठीक बात है ओके पूरी एक रो में से अगर कुछ भी कॉमन आता है या फिर पूरे कॉलम में से अगर कुछ भी कॉमन आता है आप उसको कॉमन लेकर बाहर लिख सकते हो तो पहली रो में से ए कॉमन आया था देखो ए ए ए वो ए मैंने बाहर निकाल लिया पीछे यहां पे बचा ए यहां बचा बी यहां बचा सी ए बी सी फिर इस पूरी रो में से बी कॉमन आया था बी यहां बचा ए यहां बचा बी यहां बचा सी इस पूरी रो में से सी कॉमन आया था ये मैंने यहां लिख लिया यहां बचा ए यहां बचा बी यहां बचा सी आपके सामने ठीक बात है ओके okay? ये थी प्रॉपर्टी नंबर दस प्रॉपर्टी नंबर ग्यारह के ऊपर चलते हैं ग्यारहवीं प्रॉपर्टी हमारी क्या बोलती है सुनना भी गौर से सुनना प्रॉपर्टी नंबर ग्यारह सारे बंदे गौर से सुनेंगे कोई एक मैट्रिक्स थी ए कोई दिमाग में ना एक तीन बाय तीन की मैट्रिक्स सोच लो कि उसके अंदर तीन ही रो है तीन ही कॉलम है थ्री बाय थ्री की एक मैट्रिक्स सोच लो दिमाग के अंदर कोई भी होगी तीन बाय तीन की है ना मैंने उस तीन बाय तीन की मैट्रिक्स को बोला कि के से मल्टीप्लाई कर दो डिटरमेंट नहीं है मैं मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं तीन बाय तीन की कोई भी एक मैट्रिक्स होएगी उसको अगर आप किसी के से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आपको के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हुआ दिख रहा है नौ no के नौ no एलिमेंट के साथ आपको के मल्टीप्लाई हुआ दिख रहा होगा 9 no के 9 no एलिमेंट के साथ K तो no के मल्टीप्लाई हो जाएगा के साथ आपको के के मल्टीप्लाई हुआ दिख रहा है तो जब आप कॉमन लेकर बाहर निकालोगे तो क्या एक रो में से अलग अलग के खींचना पड़ेगा सही बात अभी पहली रो में से के कॉमन आके बाहर आएगा दूसरी रो में से के कॉमन आके बाहर आएगा तीसरी रो में से के कॉमन आके बाहर आएगा तो आप देखेंगे कि बाहर आपके पास क्या आएगा के क्यूब आ जाएगा और पीछे क्या बचेगा मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट बचेगा आगे बात समझ तो कहने का मतलब ये हुआ कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी कॉन्स्टेंट अगर डिटर्मिनेंट के अंदर पड़ा है ना और उसको डिटर्मिनेंट से बाहर लेके आना है अगर कॉन्स्टेंट को तो वो अपने सर पे तीन की जगह पर क्या लेके आएगा वो डिटर्मिनेंट लेकर आएगा ठीक बात है। डिटर्मिनेंट लेकर आएगा वो डिटर्मिनेंट सॉरी ऑर्डर लेकर आएगा तो थ्री की बजाय तो बाहर जब के आएगा तो के स्तर बाहर आएगा अगर थ्री बाय थ्री का डिटर्मिनेंट है तो तीनों रो में से ये क्या कह रहा है टाइम बता दो एक बार सात बजे होती है डेली क्लास भी अपनी क्लास की टाइमिंग डेली सात बजे मैं आपको इस चीज को थोड़ा दोबारा दिखाता हूं ए बी सी डी कोई एक मैट्रिक्स थी भाई ठीक है ये एक मैट्रिक्स मैट्रिक्स थी मैंने बोला इसको के से इस के से से मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करो इस को किया तो आपको पता है कि वो हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो गया जितने भी एलिमेंट थे सबसे मल्टीप्लाई हो गया अब मैंने बोला कि इस मैट्रिक्स का मैट्रिक्स नहीं अब इसका डिटर्मिनेंट लो अब मैंने आपको ये बोल दिया कि इसका डिटर्मिनेंट लो क्या होगा डिटर्मिनेंट तो मैं इसमें से के कॉमन लेकर बाहर निकालूंगा मैं इसमें से भी के कॉमन लेकर बाहर निकालूंगा तो बाहर क्या आया के स्वेर आया पीछे क्या बचा पीछे बचा ए बी सी डी जो कि ए मैट्रिक्स का ही हमारा डिटर्मिनेंट आ गया तो बाहर के की पावर कितनी आई टू आई टू क्यों आई क्योंकि टू बाय टू की मैंने मैट्रिक्स मानी थी तो अगर थ्री बाय थ्री की मानता तो बाहर के क्यूब आता वही बात यहां पर लिखी है कि जब भी के डिटर्मिनेट से बाहर आता है अपने सर पर क्या लेके बाहर आता है मैट्रिक्स का ऑर्डर लेकर बाहर आता है K, जब भी से बाहर आता है वो मैट्रिक्स का ऑर्डर लेकर बाहर आएगा ये प्रॉपर्टी थी हमारी प्रॉपर्टी नंबर इलेवन जल्दी से यस कर दो अगर ये प्रॉपर्टी नंबर ग्यारह क्लियर हो तो जल्दी जल्दी से यस करेंगे प्रॉपर्टी नंबर अगर इलेवन ओके है तो इसके बाद मैं लास्ट प्रॉपर्टी के ऊपर चलता हूं इसके बाद अपनी डिटर्मिनेंट की लास्ट प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट की लास्ट प्रॉपर्टी के ऊपर चलेंगे यह हमारे पास ग्यारह प्रॉपर्टी हो चुकी है बारहवीं प्रॉपर्टी और लास्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है सुनना। ट्वेल्थ प्रॉपर्टी मेरी क्या कह रही है एनी एनी एलिमेंट्री ऑपरेशन any elementary operation any any elementary operation operation does not affect the value of determinant determinant अगली जो क्लास होगी वो सारी पूरी क्लास हमारी इसी के ऊपर निकलने वाली है एलिमेंट्री ऑपरेशन के ऊपर एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या होते हैं आपको याद होगा ट्वेल्थ के अंदर आपने पढ़ा होगा कि हम रो वन को कुछ ऐसा किया करते थे रो वन प्लस रो टू प्लस रो थ्री मान लो इस तरीके से हम ये बातें किया करते थे रो वन प्लस थ्री रो टू लिख लिया ऐसा कुछ तो ये जो बातें यहां पर लिखी है इन्हीं को ही अपने एलिमेंट्री ऑपरेशन बोलते हैं ये हमने एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाए तो किसी भी डिटर्मिनेंट के अंदर आप कोई भी एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा दो डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूं यहां पर डिटेल से इसके कल क्वेश्चन करेंगे अपने काफी सारे लेकिन आज मैं यहां पर इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं अभी ये देखो मैंने यहां पर एक डिटर्मिनेंट लिया आपने देखा कि इसकी वैल्यू जो आ रही है कितनी आ रही है दो आ रही है मैंने एक डिटर्मिनेंट लिया इसकी वैल्यू आपके पास यहां पर दो आ रही है अब एलिमेंट्री ऑपरेशन का मतलब क्या है आप किसी भी रो या कॉलम को किसी भी दूसरी रो या कॉलम के साथ आपस में कोई भी रिलेशन कर सकते हो उसका मतलब आप उनको इंटरचेंज भी कर सकते हो इंटरचेंज नहीं करना सॉरी आप प्लस भी कर सकते हो माइनस भी कर सकते हो वगैरह वगैरह जो यहाँ शर्त सुन लो जो यहाँ एरो से पहले लिखा है ना एरो के बाद शुरुआत वहीं से होनी चाहिए इस बात की आपने गौर करनी है एरो से जस्ट पहले जो लिखा है एरो के जस्ट बाद वहीं से वही आना चाहिए इस बात के ऊपर गौर करना अगर यहां आप आर वन की जगह पे चेंज कर रहे हो ना पहली रो की जगह चेंज कर रहे हो तो शुरुआत आर वन से होनी चाहिए प्लस या माइनस जो लगाना लगा दो प्लस या माइनस में से जो मर्जी लगा दो मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करना ठीक है प्लस या माइनस जो करना है कर लो मान मैं लो मैंने आर टू कर दिया तो इसका कहने का मतलब ये हो गया कि रो वन की जगह पर मैंने रो वन और रो टू को प्लस करके लिखना है तो ये पहली रो है यह दूसरी रो है तो तीन प्लस एक चार चार प्लस दो छह प्लस दो हो गया छो वन की जगह चेंज करना था मैंने कर दिया रो टू को सेम रहने दो आप इसको सोल्व करके देख लो आंसर कितना आ रहा है आप इसको सोल्व करके देखेंगे आंसर टू ही आएगा तो मैंने देखो यहां पर एक एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाया लेकिन डिटर्मिनेट की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ा अगर यही एलिमेंट्री ऑपरेशन मान लो मैं ऐसे लगा देता कि रो टू की जगह पर मैं लिख रहा हूं सर रो टू माइनस रो वन लिख रहा हूं तो देखो क्या बनेगा रो टू की जगह पर लिखना है रो टू माइनस रो वन तो एक में से तीन गया माइनस दो दो में से चार गया, दो रो वन को सेम लिख लिया रो वन को सेम लिखा हुआ तो ये बनेगा माइनस का छ प्लस का आठ देखो आंसर दोबारा क्या रहा? आ है टू यार तो कोई भी एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा दो डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मैंने एक ऑपरेशन और लगाया मैंने कॉलम टू की जगह लिख दिया कॉलम टू माइनस ट्वाइस ऑफ कॉलम वन अब देखना क्या आएगा कॉलम टू की जगह चेंज करना है मतलब पहले कॉलम को तो सेम रहने दो कॉलम टू की जगह क्या करना है कि पहले कॉलम का ट्वाइस करके माइनस करना है इसका ट्वाइस किया सिक्स तो चार में से छह गया माइनस दो इसका ट्वाइस किया टू टू में से टू गया जीरो अब इसके डिटर्मिनेंट को सोल्व करके देखो जीरो प्लस टू आपका आंसर यहां पर दोबारा क्या आ रहा है टू आ रहा है तो आप किसी तरीके का कोई भी एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा दो की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता डिटरमेंट की वैल्यू सेम रहती है ये मेरे पास लास्ट प्रॉपर्टी थी ठीक बात है ओके okay है अब एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाते टाइम कुछ बातों का ध्यान रखना सोना गौर से कभी भी अगर रो वन की जगह चेंज कर रहे हो तो रो टू माइनस रो वन वगैरह आप नहीं कर सकते ये बात गलत है जो एरो के पहले है एरो के बाद वही होना चाहिए इसलिए आपकी ये बात कर। ऐसा अगर आप करेंगे तो गलत है वो एलिमेंट्री ऑपरेशन गलत हो जाएगा रो वन की जगह पर आप ट्वाइस ऑफ रो वन प्लस रो टू वगैरह ऐसा नहीं कर सकते हमेशा एरो के जो पहले लिखा है एरो के जस्ट बाद जो लिखा गया है दोनों बिल्कुल सेम होने चाहिए यहां आर वन अकेला है तो यहां आर वन अकेला ही आएगा इसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं आना चाहिए इसके मल्टीप्लाई में जो मर्जी लगा दो आगे वाले के

आप सिर्फ और सिर्फ किसी रो में अपनी मर्जी से प्लस नहीं कर सकते फिर आपने क्या किया रो वन की जगह रो वन इंटू रो टू कर दिया आप ऐसा काम भी नहीं कर सकते दो रो आपस में ऐड हो सकती है माइनस हो सकती है लेकिन आपस में कभी भी मल्टीप्लाई वगैरह लिखना गलत बात है ठीक बात है तो इन चार बातों का आपने ख्याल रखना है इन चार बातों का तो फिर हम एलिमेंट्री ऑपरेशन आखिर क्या लगा सकते हैं हम ये कह सकते हैं कि सर हम किसी भी रो की जगह पर रो वन तो शुरू में आनी चाहिए प्लस उसके आर लिख सकते हैं लेमडा की जगह अगर मैं वन रखता हूं तो देखो ये एलिमेंट्री ऑपरेशन बन गया आर वन प्लस आर टू लेमडा की जगह अगर मैं माइनस वन रखता हूं तो कुछ इस तरीके से ऑपरेशन बन जाएगा कि आर वन की जगह मैंने आर वन माइनस आर टू रख दिया तो आप इस तरीके से रो में कोई भी ऑपरेशन लगा सकते हो रो ऑपरेशन और इसी तरीके से आप कॉलम के अंदर भी कोई ऑपरेशन लगा सकते हो C1 वन प्लस इंटू सी ये दोनों ऑपरेशन सही है लेकिन इस तरीके के ऑपरेशन लगाना गलत है ठीक बात है ओके है, समझ आई कि कोई भी एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाएंगे तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता जल्दी से अगर समझ आ गया हो तो यस कर दें सारे ये थी मेरे पास बारह प्रॉपर्टी और कल अपने इनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे और आपने लीनियर इक्वेशन के सोल्यूशन सुने होंगे यूनिक सोल्यूशन होता था इनफाइनाइट सोल्यूशन होता था नो सोल्यूशन होता था उस टाइप के क्वेश्चन भी कल आएंगे ठीक बात है और इसके ऊपर जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर ही क्वेश्चन आपको कल मिलेंगे और टेलीग्राम चैनल सारे बंदे ज्वाइन कर लेना सी सी जी संदीप थ्री मैं इसके अंदर आपको कल तक स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर दूंगा ठीक बात है ओके है चलो थैंक यू भी सभी को जय हिंद कल मिलेंगे अपने सेम इसी टाइम पे आज के लिए इतना